हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर फोर, जिसका नाम है हीट। ठीक है, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से इजीली समझ आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कमेंट्स में कि आप हीट के नाम से, जब भी अगर कोई हीट बोलता है तो आप उसे क्या समझते हैं। मेरे ख्याल से जब भी कोई हीट बोलता है तो आपके दिमाग में हॉट, समर्स, ये सब आता होगा, यानी गर्माई, यानी ज़्यादा जहाँ गर्मी हो, समर्स हो, है ना, यही आपके दिमाग में आता हो। तो मैं बता दूँ कि हीट जो है एक टाइप का इससे भी रिलेट है, पर एक तरह से जो हमारा हीट है ना वो टेम्परेचर से भी तो रिलेट है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, हीट कम होगी, है ना। जैसे आप एसी चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लाइक अगर 27 है, हम 28 कर देते हैं तो क्या होगा, तो गर्मी जो है वो क्या होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी जो हमारी जो ठंडी है वो कम हो रही है। और हम क्या करते हैं कि फिर अगर हम उसको कम करते हैं, यानी अगर हम 16 कर देते हैं एसी को अपना 27 से, सपोज 27 था, अब मैं उसे अगर 16 करूँ तो क्या होगा, ज़्यादा ठंडा होगा, यानी गर्मी क्या हो रही है, गर्मी कम हो रही है, टेम्परेचर जो है वो घटेगा तो गर्मी भी घटेगी। ठीक है, ओके। तो अब ये तो हमारे अलग से हीट की बात हुई, बस आपको बताना चाहती हूँ कि हीट जो है हमारे समर से, क्लोथ से भी रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि अगर हम विंटर समर्स में किस टाइप का क्लोथ्स पहनते हैं उसी हिसाब से हमें हीट या कुछ भी लगेगी। तो हीट को हम एज अ हॉट और एज अ कोल्ड में कंसीडर कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये गलत लिखा, वेट, एज अ हॉट और एज कोल्ड हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम अपना चैप्टर को लाइन में एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या बोले कि हमने चैप्टर थ्री में जो फाइबर एंड फैब्रिक्स आपका चैप्टर था, उसमें हमने ये पढ़ा होगा कि जो वुलन क्लोथ्स हैं वो किससे बने होते हैं, एनिमल फाइबर से। और ये तो नाम से ही पता चल रहा है, वुलन क्लोथ्स है, तो वुलन के सारे कपड़े एनिमल फाइबर से ही बनते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब कॉटन क्लोथ्स की मैं बात करूँ, तो कॉटन आपको पता है कि कॉटन का एक प्लांट होता है जो कि महाराष्ट्र में, हाँ, और गुजरात में होता है ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन के प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो जहाँ कॉटन के प्लांट्स हैं, यानी कॉटन का क्लोथ किससे बनता है, फिर कॉटन से बनता है। तो आपने क्या जाना कि अगर एनिमल फाइबर की हम बात करें तो उसमें कौन आएगा, वुलन के क्लोथ्स आएंगे, है ना, वुलन के क्लोथ्स आएंगे। और अगर मैं प्लांट की बात कर रही हूँ तो उसमें कौन आएगा, कॉटन। ठीक है, अच्छा, चलो ये तो समझ आ गया। अब जरा ये बताइए, अगर हम वुलन के क्लोथ्स पहनेंगे, यानी अगर आप वुलन के क्लोथ्स पहने तो आपको ठंडी लगेगी या गर्मी लगेगी? अगर आप वुलन के क्लोथ्स पहनेंगे तो आपको क्या लगेगी, गर्मी। मतलब ये जो है ये हमारे विंटर्स के लिए है ना, क्यों, क्योंकि विंटर्स में ताकि हमें गर्मी लगे इसलिए हम पहनते हैं, ओके। अगर मैं कॉटन की बात करूँ जो कि एक प्लांट का है, तो वो हमारा किस लिए होता है, वो हमारा होता है समर्स के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी हमारा स्वेट यानी जो पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमें गर्मी नहीं लगती है। तो आपने इससे ये जाना कि जो एनिमल्स हैं, अगर उनका कोई भी कपड़ा उनसे बन रहा है, उनसे कोई भी टाइप का क्लोथ बन रहा है एनिमल से, तो वो कैसा होगा, वो हमारे विंटर्स के लिए होगा। और अगर प्लांट से कोई भी क्लोथ है, कोई भी बन रहा है, तो वो हमारे किस लिए होगा, समर्स के लिए होगा। ठीक है, इतना समझ जाइए बस। हमने इसी से यही एनालाइज किया कि अगर एनिमल फाइबर था तो उससे हमारा कौन था, तो वुलन, वुलन किसके लिए, विंटर्स के लिए। ठीक है, तो एनिमल फाइबर जो है वो ऑफकोर्स रिलेट टू विंटर्स है, ओके। और प्लांट की बात करें तो प्लांट जो है हमारा वो हमें कॉटन क्लोथ्स, ये एक हमने एग्जांपल लिया कॉटन, ठीक है। अब कॉटन किसके लिए था, समर के लिए, यानी अगर प्लांट का कोई भी क्लोथ है तो वो समर से रिलेट है। ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि हम, ये तो मैंने बता दिया यहाँ से ये सब, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इन विंटर में क्या होता है, आपको ना अंदर से ना ठंड फील हो रही होती है, जबकि आपने इतने सारे कपड़े पहने होते हैं ना। और बाहर क्या होता है, बाहर जो सन है वो आपको गर्माई देता है। तो इन समर्स में आप क्या फील करेंगे, फिर हॉट इन हाउस इनसाइड, अगर आप हाउस में होंगे तो क्या ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड है, हमें ये कैसे पता चलता है।
हमें ये कैसे पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या फिर वो ठंडा है, ये कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर से, ऑफकोर्स। अगर उसका टेम्परेचर जो है, ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है यहाँ पे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो हॉट है कोल्ड है, उसका आंसर क्या है? टेम्परेचर। नाउ अगर वो हॉट है यानी उसका टेम्परेचर क्या है? उसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना, क्योंकि अगर 27 है 16 से, यानी 27 में ज़्यादा गर्मी होगी, 16 में 27 में ज़्यादा गर्मी होगी ना, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो हॉटनेस ज़्यादा और टेम्परेचर गिरेगा तो कोल्डनेस ज़्यादा। ओके, अगर आपको हॉटनेस कोल्डनेस और टेम्परेचर समझ रहे हैं ना कि टेम्परेचर से हॉट और कोल्ड कैसे रिलेट है, तो आपको एसी का एग्जांपल लेके बहुत इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो अब हम जरा ये एक चार्ट है इसको देख लेते हैं, क्या बोला इन्होंने टेबल है जो इसमें, कि इना डेली डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हॉट और कोल्ड होता है, बस हमें उन्हें पहचानना। लाइक अगर फर्स्ट हम आइसक्रीम की बात करें तो वो कोल्ड कूल या फिर वार्म और हॉट, क्या ऑफकोर्स वो कूल है तभी तो आप उसे गर्मियों में खाते हैं, है ना। और स्पून इन अ टी कप, कोई भी स्पून अगर वो टी कप में है, यानी चाय कैसे हो रही गर्म होते हैं, तो उसमें स्पून जब हम रखेंगे तो वो भी कैसे हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। फ्रूट जूस की अगर हम बात करें तो फ्रूट जूस जो है वो कोल्ड होता है क्योंकि हम उसे फ्रिज में रख के पीते हैं ना। हैंडलिंग ऑफ अ फ्राइंग पैन, यानी अगर आप कुछ गर्म करें उसे फ्राई करते हैं तो हैंडल, यानी आप उसे गैस पे रख रहे हैं, गैस पे रख रहे हैं यानी ऑफकोर्स वो क्या है, हॉट है, ठीक है। तो ये तो हमारा टेबल, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ देम, अच्छा जो अभी हमने एग्जांपल्स देखे इनमें से क्या था, कुछ हॉट थे कुछ कोल्ड थे, है ना। लाइक टी जो थी वो हॉट थी, आइस जो थी वो कोल्ड थी, तो ये चीज़ भी हमें कैसे पता चली, ठीक है। ओके, तो कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो कोल्ड होंगे, तो ये पहचानने के लिए हम उसको छू के या टेम्परेचर से कैसे भी पता लगा सकते हैं। और ये चीज़ हमें कैसे पलती है, हमें सेंस ऑफ टच से पता चलती है ना, जो हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें बताता है। बट मेनली जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या फिर वो कोल्ड है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो अब हमने एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो देखिए ये रिएक्टिविटी, हम इसको समझते हैं पहले। क्या बोले कि आपको 3 स्मॉल कंटेनर्स लेने और उनको लेबल करना है एस ए बी और सी। तो ये रहे, एक ये रहा ए, ये बी और ये हमारा सी, हमने कंटेनर ले लिया। अब इसमें क्या करना है, जो ये वाला है इसमें हम कैसा रख रहे हैं, कोल्ड रख रहे हैं, ठीक है। एंड हॉट वाटर इन द कंटेनर, मतलब पहले इसमें क्या था, हॉट था, बट हमने इसमें क्या डाला थोड़ा सा, अच्छा सॉरी, हमारा जो ए है उसमें हमने डाला हॉट वो कोल्ड, और जो हमारा बी है उसमें हमने कैसा डाला है, हॉट, ठीक है। इसको मैं ढंग से लिख लेती हूँ, वेट। ओके, तो जो हमारा ए है उसमें हमारा कैसे देखे, कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, तो यानी इसमें कोल्ड है। देन बी में अगर हम बात करें तो हॉट वाटर इन कंटेनर बी, तो हमारा बी हो गया। देन क्या बोला है कि मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, तो जो हमारा सी है ना, अब देखिए उसमें क्या है, उसमें सी एंड बी यानी कोल्ड और हॉट जो है वो दोनों इसमें है, हॉट और कोल्ड इसमें क्या है, दोनों है। तो दोनों से है, अब क्या क्या हुआ फिर, अब वो हम चीज़ देखेंगे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो क्या हुआ कि देखिए ए में सिर्फ क्या था, कोल्ड था, बी में सिर्फ हॉट था, और जो सी था उसमें दोनों मिक्स कर दिए थे। तो अब क्या करना है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है ना उसको कंटेनर ए में डालना, आपको कैसा फील होगा, हॉट कोल्ड होगा, क्योंकि ए में क्या था, कोल्ड था, ठीक है, तो आपको हॉट कोल्ड होगा। अच्छा अब आप बी में डालेंगे तो आपको क्या होगा, वो आपको हॉट फील होगा, है ना। और अगर आप जब सी में डालेंगे तो क्या होगा, सोचिए, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, ना अब जो बूझो है, बूझो चलो छोड़ देते हैं, हम आते हैं अब यहाँ पे थोड़ा सा जो मेन टॉपिक है, ठीक है। ये तो फालतू क्या है, यहाँ तक यहाँ से पढ़ेंगे अरिलेबल से, ठीक है। तो क्या बोला है कि अरिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। अभी मैं जो बात कर रही थी कि हॉटनेस और कोल्डनेस जो है हमें किससे पता चलेगी, टेम्परेचर से,
तो एक्चुअली वो टेम्परेचर होता क्या है? ये थोड़ी ना कि जो डिग्रीज में होता है सिर्फ ये टेम्परेचर, आप इसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? हम इसको टेम्परेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितनी हॉटनेस है ऑफ एन ऑब्जेक्ट की। जब हम सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको अगर मैं मेजर करूँ तो इसकी हॉटनेस कितनी है? अगर कम हॉटनेस है यानी फिर वो कोल्ड है ना, और अगर ज़्यादा हॉटनेस है तो वो हॉट है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी कितनी हॉटनेस है वो हमें बताता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को नापने के लिए, जैसे आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपको थर्मामीटर लगा दिया जाता है ना, तो वही क्या करता है थर्मामीटर, एक डिवाइस है जो कि मेजर करता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अब थर्मामीटर भी हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं, तो हम वो बहुत टाइप के थर्मामीटर जो है वो पढ़ेंगे। तो हमें मेजरिंग टेम्परेचर हमारा टॉपिक है, तो आपको ये पता है कि हम टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं? थ्रू थर्मामीटर से। अब थर्मामीटर से कैसे, कौन सा थर्मामीटर, बहुत टाइप के होते हैं, और कैसे, वो भी बहुत तरीके हैं, तो वो हम जानेंगे, ठीक है। तो जो हम, जैसे हम अगर ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस जो हैं अगर हम बीमार पड़ जाते हैं और हमें अगर थर्मामीटर की ज़रूरत है, तो हमारे लिए जो थर्मामीटर है उसका नाम है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। क्या द थर्मामीटर डैट मेजर्स आर बॉडी टेम्परेचर, जो थर्मामीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। कौन सा वाला? क्लिनिकल थर्मामीटर, इससे याद रखना है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो कब यूज़ करते हैं? जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है, ह्यूमंस का, ठीक है। ओके, अब हम दूसरा थर्मामीटर पढ़ते हैं, जस्ट वन मिनट। तो देखिए थर्मामीटर कुछ इस टाइप का है ना, आपके घर में भी होगा इस टाइप का, तो उसमें जो 37 होता है ये रेड कलर का होता है, ऐसा क्यों, सोचिए। और उसके नीचे एक रेड कलर का ये एरो होता है, ऐसा क्यों होता है? बाकी सारे तो ब्लैक कलर्स में, पर ये सिर्फ 37 ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हमारे ह्यूमंस का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, क्या जो हमारे ह्यूमंस का नॉर्मल टेम्परेचर है, लाइक हमारा जो मेन, मतलब जो अक्सर सभी का रहता है, चाहे वो बीमार हो, बीमार नहीं होता है जब वो, और या फिर उसको जब ठंडी भी नहीं होती, जब वो मतलब नॉर्मल इंसान है, उसका जो थर्मामीटर जो ठीक ठाक है उसका क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो इसलिए वो रेड होता है उसमें, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वो 37 तक है इसमें, है ना, तो उसका मतलब क्या है कि जिसने भी नापा उसका वो नॉर्मल है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है। इस तरीके से हम इसका पता लगा सकते हैं। ओके, अच्छा, अब जो थर्मामीटर है हमारा वो टेम्परेचर, एक तो होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फारेनहाइट, और एक होता है केल्विन, ठीक है। केल्विन जो है उसको हम एक तरह से उसकी वैल्यू 273K हम बोलते हैं, 273K, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारी कॉमन है, जो 0 से 100 डिग्री के लिए होता है, ये हमारा 0 से 100 डिग्री के लिए होता है। और अगर मैं फारेनहाइट की बात करूँ तो हमारे 32 से बहुत आगे तक, मतलब 108 कुछ ऐसा होता है, मुझे मैक्सिमम याद नहीं आ रहा है, बट ऐसी कुछ होता है, ठीक है। ओके, नाउ हम क्लिनिकल, ये ना हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर, क्योंकि ये क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर क्या, जो ह्यूमंस के लिए है, जैसे ह्यूमंस कर सकते हैं, तो ये आप सभी के घर में होगा, है ना। अब जैसे अगर आपको पेट, आपका अगर कोई पेट होगा तो आप उसके लिए ये वाला थर्मामीटर यूज़ नहीं करते होंगे, आप उसके लिए दूसरा टाइप का करोगे, है ना। तो इसलिए क्योंकि क्लिनिकल जो है वो ह्यूमंस के लिए होता है। नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो क्या है, एक टाइप का लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है, जैसे आप देख सकते हैं लॉन्ग नैरो और ग्लास ट्यूब है, एंड इसके पास एक बल्ब है एट द एंड, यहाँ पे एक बल्ब होता है इसमें, ठीक है। और ये जो बल्ब है इसके पास क्या होता है, मरकरी, ठीक है। अब अगर हम बल्ब के आउटसाइड देखें, यानी ये जो हमारा आउटसाइड पोर्शन है यहाँ देखें, तो क्या होगा, एक बहुत ही पतली सी जो मरकरी की ऐसी ये जो आप देख रहे हैं ना, ऐसी पतली सी एक मरकरी सी होगी, थ्रेड सा, बहुत धागा जैसा होता है, पतला सा वो होता है। एंड अगर आप थर्मामीटर पे ये धागा नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको रोटेट कीजिएगा थर्मामीटर को, फिर आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। ओके, अब थर्मामीटर को स्केल जो हम यूज़ करते हैं थर्मम नॉर्मल क्लिनिकल के लिए, वो होता है हमारा डिग्री सेल्सियस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। ओके, सो लेट्स रीडिंग अ थर्मामीटर हम कर लेते हैं जरा। ये रहा जो फारेनहाइट था ना, ये रहा
जो फ़ारेनहाइट होता है डिग्री एफ उसका 94 से होता है, सॉरी मैं 32 बताया था, उसका 94 से 108 डिग्रीज होता है। ये जो माइनस है माइनस नहीं है, ये 2 है। ओके, ये डिग्रीज जो है ना, मैंने आपको बताइए, याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है वन मार्क क्वेश्चन में। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रीडिंग अ थर्मामीटर, कि हम थर्मामीटर को कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसको पढ़ लेते हैं ज़रा। तो थर्मामीटर को रीड करने के लिए क्या करना है, पहले आपको उसे वॉश करना है, क्योंकि वो रखे रखे ऐसे हमें सही नहीं दिखाएगा फिर। तो पहले उसे वॉश कीजिएगा, देन क्या कीजिए, उसको जो है ना एकदम से जर्क दीजिए। जर्क मतलब कि उसे एक बार झटकिए, और फिर उसके बाद जब आप उसका मर्करी देखेंगे ना, तो उसका मर्करी जो है वो डाउन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे डाउन आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर वो इंश्योर कीजिए कि जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से बिलो होना चाहिए, मतलब जो हमारा ये, आप एक सेकेंड मैं आपको थर्मामीटर दिखाती हूँ। देखिए ये जो ब्लैक लाइन, आप ये जो येलो कलर की लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो थी ये हमारा मरकरी थी। अब इस पे जब ये यहाँ 35 पे अगर है जर्क देने के बाद यहाँ पे, तो यानी वो कैसा है, वो हमारा जो है वो फिर ठीक है। हम उसे वॉश करने के बाद जर्क देंगे तो 35 पे आना चाहिए, अगर नहीं आया तो दोबारा उसको जर्क दीजिए। ठीक है, और 37 तक वो दिखाएगा पर पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अब क्या करना है कि जो उसका बल्ब है, यानी जो उसके ये पोर्शन आगे का ये होता है ना, इसको क्या करना है, आपको अपने टंग के अंदर देना है। या तो आप इसे अपने टंग के अंदर दे सकते हैं या फिर आर्म्स के अंदर। ठीक है, और 1 मिनट के लिए, जब तक वो अपनी एक थर्मामीटर ना अपनी आवाज़ भी देता है उस, मतलब ट्यूम ट्यूम करके ऐसे टाइप कुछ, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ उसने कर लिया। तो ये हमारा बॉडी टेम्परेचर दिखा देता है, वो जो दिखाएगा वो डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, तो देखिए जो नॉर्मल टेम्परेचर है ऑफ ह्यूमन का वो 37 डिग्री होता है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, और उसकी यूनिट जो है वो डिग्री सेल्सियस ही रहेगी। तो अब हम आते हैं आगे। ओके, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि 37 डिग्री हमारा नॉर्मल है, क्या सभी का 37 रहता है अगर वो नॉर्मल है? अगर अभी आपको कुछ भी, आपकी तबीयत ख़राब नहीं है, तो अभी आप नॉर्मल हो, तो क्या अभी आपका 37 ही होगा? नहीं, टेम्परेचर जो है वो हर पर्सन का कभी एक्यूरेटली 37 नहीं होता है, कभी भी 37 हो ही नहीं सकता, एक्यूरेटली नहीं हो सकता। या तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा 37 डिग्री से, और या फिर उससे थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अब कम ज़्यादा मतलब कहाँ तक होना चाहिए कम से कम, क्वेश्चन ये आता है। तो एवरेज मतलब क्या होना चाहिए, तो एवरेज जो है हेल्दी पर्सन का, यानी जो ठीक ठाक जैसे ठीक है अभी, तो उसका नॉर्मल क्या होगा, उसका जो नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर में दिखाएगा वो होगा हमारा 35 से 42 डिग्री के बीच में, उससे नीचे वो नहीं जाना चाहिए। अगर 35 से नीचे जा रहा है यानी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और अगर 42 से ज़्यादा जा रहा है तो भी आपकी ठीक नहीं है, कम से कम 35 से 42 होना चाहिए, और 37 कभी आपका हो ही नहीं सकता एक्यूरेटली। ठीक है, ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि लैबोरेटरी में हमारा थर्मामीटर जो है वो किस टाइप का होता है, तो उसको देख लेते हैं जरा। ओके, तो जो हमारा लैबोरेटरी में थर्मामीटर होता है ना, उसकी सिर्फ रेंज जानते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लैबोरेटरी थर्मामीटर का पहले में से पहले हम एक और टाइप का थर्मामीटर है यहाँ पे, वो देखेंगे पहले। ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर हैं उसमें से एक हमारा है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला जो है इसमें क्या होता है कि जो वेदर की रिपोर्ट्स आती है ना, जो वेदर वाले होते हैं वो हमें बताते हैं कि आज बारिश होएगी या नहीं होएगी, तो वो जो बताते हैं वो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर से ही बताते हैं। ठीक है, और इसके बारे में आपको इतना ही जानना है कि वेदर रिपोर्ट्स वाले ही इसके बारे में बताते हैं। और अगर लैबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में मैं बात करूँ, तो उसकी जो रेंज है, उसकी जो रेंज है वो कहाँ तक होती है, -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं हो सकती है, -10 से तो क्या ही कम होगी, है ना। ओके, तो अब हम एक्चुअली 4.5 में देखते हैं क्या है, एक्चुअली इसमें भी कुछ नहीं है, तो
ओके हम यहाँ पे आते हैं डायरेक्टली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे को यही याद नहीं रहता है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट गाइस। अच्छा एक क्वेश्चन है कि क्या आप जो आपका लैबोरेटरी थर्मामीटर है जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, -10 से 110 तक की, तो क्या आप उससे अपना बॉडी टेम्परेचर नाप सकते हैं, जो आपका है मतलब ह्यूमंस का वो नाप सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ह्यूमंस के लिए तो सिर्फ क्लिनिकल है ना, जो लैबोरेटरी का है वो तो लैब के लिए काम आएगा ना, वो किसी और के लिए क्यों काम आएगा। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि लैबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो हम ह्यूमंस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। व्हाई डज अ मरकरी जो है, अभी आपने मरकरी पढ़ा कैसा होता है, बहुत ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि थर्मामीटर में होता है हमारे, ठीक है। तो ये जो थर्मामीटर में हमारा जो मरकरी है वो कभी क्लिनिकल थर्मामीटर में नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन आउट ऑफ द माउथ, यानी जब हम उसे माउथ के बाहर लाते हैं तो वो कभी जो मरकरी है वो उसका कभी गिरता और बढ़ता नहीं है जब हमारे वो माउथ के हम उसे बाहर ले आते हैं, है ना। जब हम उसे अपने माउथ के अंदर रखते हैं या कहीं और रखते हैं तभी वो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तभी तो टेम्परेचर नाप सकेगा, बाहर हम उसे लाएंगे तो वो गिरेगा और कम कैसे होगा, क्योंकि बाहर तो कोई टेम्परेचर वो नाप ही नहीं रहा। ऑफकोर्स ओके नाउ एक किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा इसको भी, ओके। तो आपको पता है कि जो हमारा बल्ब है उसके पास, बहुत ही पास एक किंक होता है, ठीक है, ओके। तो उस किंक का काम क्या होता है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक, ये आता है आपके 1 मार्क क्वेश्चन में और ये पक्का आएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि यूज़ क्यों होता है किंग का जो हमारे बल्ब में आगे होता है। तो वो क्यों होता है, ताकि जो हमारा मरकरी है ना वो खुद ना गिरे। अभी जो हमने ये क्वेश्चन देखा था ना कि जब मरकरी है वो क्यों नहीं गिरता आउट ऑफ द माउथ, उसका रीज़न यही था कि जो किंग है हमारा वो मरकरी को गिरने नहीं देता, खुद वो गिरवाता है, कौन, किंग गिरवाता है, ठीक है। नाउ अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसफ़र कैसे होता है हीट का, ठीक है। तो हीट का ट्रांसफ़र जो है वो कैसे होता है वो अब हम देखने वाले हैं। तो अगर आप एक फ्राइंग पैन लें और उसको आप गर्म करें तो क्या होगा, वो और गर्म होता जाएगा और गर्म होता जाएगा, और जो पैन है उस वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ख़राब होने लगेगा, है ना। फिर अगर हम उसे बंद कर देंगे, आज कल अलग से रख दें थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि वो थोड़ी देर बाद खुद ही कूल हो गया, वो इसलिए क्योंकि जो हीट थी ना पैन की वो क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। कहाँ हो गई वो ट्रांसफ़र, लाइक ये मेरा एक पैन है, सपोज़ ये मैंने यहाँ गैस पे रखा हुआ है, तो अभी तो ये गर्म है और मैं इसे आधे घंटे से छोड़ दिया, गर्म हो गया। अब मैंने क्या किया, इस गैस को तो गैस पे से इसको हटा दिया पैन को, ठीक है। तो क्या हो गया, अभी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, कूल हुआ। अभी कूल क्यों हुआ, क्योंकि इसकी जो ये हीट थी ना ये इसने अपने सराउंडिंग को क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी, तो हीट तो इसके पास बची ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अब जो ये ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का, ये कैसे होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कंडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो कंडक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हीट है ना वो ट्रांसफ़र होती है हॉटर एंड से टू कोलर एंड, कोल्डर एंड, मतलब कि जैसे अभी हमने जो फ्राइंग पैन का देखा उसमें क्या होता, पहले हमने उसे गैस पे रखा था फ्राइंग पैन को, है ना, तो वो हॉट था, फिर क्या हुआ वो कोल्ड हो गया, तो उसने क्या किया, जो अपनी हीटनेस थी वहाँ से उसने कोल्ड में चेंज हो गया। तो इसी को कंडक्शन कहते हैं, जब ट्रांसफ़र होता है हीट का फ्रॉम हॉट से कोल्ड में उसको हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। और अगर मैं इसमें इसको सॉलिड्स की बात करूँ तो सॉलिड के अगर कंडक्शन कराना है, इसको ठंडा करना है, तो वह अप्रॉक्सली 2 मिनट में बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं अपना टॉपिक है कंडक्टर। कंडक्टर आपको पता ही है, जिससे हीट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी ना जा सके, मतलब जा सकती है इजीली, हीट जैसे हम जो हीट है, ये सपोज़ ये मेरा जो एरो है ये हीट है, तो हीट जो है वो डायरेक्टली इसके थ्रू जा सकती है, तो वो होता है हमारा कंडक्टर।
ठीक है, अगर मैं अब इंसुलेटर की बात करूँ तो लाइक अगर मैं वुड ले रही हूँ तो वुड क्या है, वो इंसुलेटर है, मतलब कि उसमें से हीट जो है वो पास नहीं होगी, भाग जाएगी वो उससे टकरा के, उसे उसे डर लगता है, ठीक है, ऐसे याद रखिए इसको, ठीक है। पुअर कंडक्टर है हीट का कौन, इंसुलेटर्स, और कंडक्टर का हीट कैसा है, गुड कंडक्टर है, ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्शन अभी हमने कौन सा देखा, अभी हमने जो देखा था वो था कंडक्शन, है ना, अब हम देख रहे हैं कन्वेक्शन। कंडक्शन क्या था, जब वाटर से कोल्ड हो रहा था, पर यहाँ पे क्या है कन्वेक्शन में कि एक ऐसा प्रोसेस है जब हम उसे गर्म करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, और वो और हीट जो है उसमें ट्रांसफ़र होती ही जा रही है। लाइक आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो वाटर है इस जार में, जो ये वाटर है यहाँ पे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, क्योंकि नीचे से ये क्या हो रही है, फ्लेम जो है वो जली रही है, तो वो तो गर्म हो ही रहा है लगातार, वो तो रुक नहीं रहा, तो यानी ये गर्म जब होता जा रहा है इसकी वजह से तो हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र होती जा रही है, और ये और फिर गर्म होता जा रहा है तो फिर और ट्रांसफ़र होता जा रहा है ना, तो इसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। जब होते ही जा रहा है हीट भी और ट्रांसफ़र भी, दैट्स ऑल कन्वेक्शन। और नाउ अब हम पढ़ते हैं सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, एंड आई थिंक इसके बाद चैप्टर थोड़ा सा ही बचा है, ओके। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जरा हम देख लेते हैं पहले, ओके। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं ना, वहाँ पे क्या है, तो गाइस जो सी ब्रीज है ना उसको एक बार समझ लेते हैं दोबारा से, मैंने थोड़ा बताया था। तो क्या था कि जब लोग ना कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वो एक दूसरे तरीका फिनोमिना एक्सपीरियंस करते हैं, यानी वहाँ पे कुछ अलग टाइप का होता है जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं। लाइक हम जो नॉर्मल प्लेसेस पे रहते हैं सिटीज़ में, वहाँ पे अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है, और जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे अलग टाइप का होता है, दिन में अलग, रात में अलग, सी टाइप में अलग और लैंड में अलग। तो हम दो टाइप के ब्रीज देखेंगे, एक सी ब्रीज और एक लैंड ब्रीज, तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं सी ब्रीज को, ठीक है। तो जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वहाँ पे दूसरे टाइप का फिनोमेना वो फील करते हैं। अब क्या होता है ना, इस अब ध्यान से सुनिएगा, कहानी बता रही हूँ मैं कि सी ब्रीज में क्या होता है। तो अगर दिन की बात करें, ड्यूरिंग द डे, तो क्या होता है कि जो लैंड है ना वहाँ पे वो एकदम गर्म हो जाती है बहुत ही जल्दी वाटर से। सपोज़ इधर क्या है आपकी लैंड है, और इधर वाले पोर्शन में क्या आपका वाटर है, ठीक है, यहाँ वाटर है और यहाँ लैंड है, और यहाँ पे आपका सन है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो ये सन है ना, इसकी वजह से जो दिन की बात कर रही हूँ, अगर मैं डे की बात कर रही हूँ, तो लैंड जो है ये ज़्यादा गर्म हो जाता है और ये कम गर्म होता है वाटर, कंपेयर टू लैंड करें तो जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो क्या होता है फिर कि ड्यूरिंग द डे में जो लैंड है जब वो जल्दी हीट हो जाती है, देन वाटर से जल्दी फास्टर, तो क्या होता है कि जो एयर है ना ओवर द लैंड, यानी जो हमारा ये सपोज़ ये लैंड था, इसके ऊपर जो ये यहाँ पे जो इस लैंड पे ये जो एयर है ना वो बहुत जल्दी हॉट होएगी, और उस पर क्या होगा टेम्परेचर जो है वो बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा। तो क्या होगा जो कूल एयर थी, जो फिर जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगा और यहाँ पे कूल होने लगा है, तो जो ठंडी हवा थी वो कहाँ को जाएगी, वो जाएगी फिर सी पे, मतलब यहाँ लैंड था और यहाँ सी था। तो जब ये कम ठंडी हो रही है और ये ज़्यादा ठंडी है, और लैंड जो है वो कम गर्म है, वो ज़्यादा गर्म है, तो जो ठंडी हवा है वो कहाँ चली जाएगी, सी ब्रीज के पास चली जाएगी, सी में चली जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी गर्म हवा, इसे क्या कहते हैं, अभी तो प्रोसेस था, अब मैं आपको बता दूँ एक्चुअल में सी ब्रीज क्या होता है, डेफिनेशन उसी देखते हैं। अभी जो हमने देखा पूरा प्रोसेस था, अब देखते हैं कि एक्चुअल सी ब्रीज होता है क्या है। सी ब्रीज होता है कि जब भी कोई गर्म हवा लैंड से सी की तरफ जाती है, ये हमारा लैंड था, ये हमारा सी था, ये लैंड जो है ये जल्दी गर्म हो गया था और सी कम गर्म हुआ था, गर्म पर धीरे हुआ था। तो जब ये जल्दी गर्म हो गया तो यहाँ से गर्म हवा यहाँ जाएगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं सी ब्रीज, जब गर्म हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। अब ये तो हमारा सी ब्रीज था, अब जो यहाँ से जब हो गई क्या गर्म हवा इन्होंने ले ली, तो जो ठंडी हवा थी वो क्या होगी, वो दूसरे कोस्टल एरिया पे चली जाएगी। अब नाइट में क्या होता है, नाइट में इसका उल्टा हो जाता है,
रात में क्या होता है, इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। लाइक तब तो ठंडी हवा कहाँ से जा रही थी, लैंड, वो गर्म हवा, वहाँ एयर जो है वो लैंड से सी में जा रही थी। अब क्या होगा कि जो वाटर है वहाँ पे सी में, वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्या होगा, जो ठंडी हवा है, अब क्या है, जब लैंड से ठंडी हवा इस बार कोल्ड एयर जाएगी, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस क्या है कि लैंड से ही सब जाएगा, लैंड से जब वार्म जाती है तो वो कहलाता है सी ब्रीज, और जब लैंड से कोल्ड जाएगी तो वो हमारा क्या कहलाता है, लैंड ब्रीज, ठीक है। समझ आ गया, दोबारा बता दूँ एक बार, इस बार शॉर्ट में बता देती हूँ, ईजिली मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ लैंड है, यहाँ सी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ अगर कैसी एयर जा रही है, वार्म एयर जा रही है, तो क्या होगा, तो वो हमारा कहलाएगा सी ब्रीज। और अगर लैंड से सी में जा रहा है कोल्ड एयर, तो वो हमारे क्या कहलाता है, लैंड ब्रीज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, यही था हमारा लैंड और सी ब्रीज। फ्लो चार्ट को आप ड्रॉ कर लीजिए, मतलब आपको इजीली समझ आ जाएगा, फिर आपको पूरा टॉपिक रीड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ अब हमको क्या बोला है कि When we come out in the sun, we feel warm. आपको पता है जब आप सन के रेस, जब सन आता है तो आप उसके से जब बाहर निकलते हो तो आप गर्म फील करते हो, आपको बहुत हीट फील होती है। तो हम जो है कैन नॉट रीच अर्थ बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देर इज़ नो मीडियम। क्या बोला, कंडक्शन और कन्वेक्शन जो हमने पढ़ा था उसकी वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्यों नहीं पहुँच पाते, क्योंकि एयर में, एयर का उसका मीडियम नहीं चाहिए होता, स्पेस जो है बिटवीन अर्थ एंड सन में, वहाँ पे कोई भी एयर का मीडियम नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए क्या लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को एक अच्छे से आप देख सकते हो, कि यहाँ से सी से लैंड की तरफ जाता है, तो देखिए हॉट जो है वो कैसे जा रही है, सी में गई और फिर यहाँ से, तो जब हॉट एयर जा रही है तो हमारा क्या था, सी ब्रीज था, और जब यहाँ से कोल्ड जा रही थी, ठंडी जा रही थी, यहाँ से कोल्ड जा रही थी, तो वो हमारा क्या था, लैंड ब्रीज। ठीक है, अब हम रेडिएशंस देख लेते हैं। रेडिएशन क्या होता है हमारा, जब भी सन से कोई भी गर्म हवा निकलती है, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस। देखिए रेडिएशन जो है ना, हम उसको बहुत चीज़ों से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक आपने न्यूक्लियस भी पढ़ा होगा साइंस में, तो न्यूक्लियस जब फट जाता है तो उसमें से क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है, ठीक है। एक ये टाइप का रेडिएशन होता है, एक दूसरे टाइप का रेडिएशन होता है जो कि हम पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है कि सन है या इसमें से जब भी हीट, जो हीट है ये देता है, वो जब हम तक पहुँचती है जिस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशंस, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सन जो है हमें गर्म चीज़ दे रहा है, कोई गर्म हीट दे रहा है, रेज दे रहा है, गर्म हीट दे रहा है, रेज दे रहा है, हीट कौन सी, गर्म वाली, ठीक है। तो इसी तरह, और जो न्यूक्लियस जब फटता है तो वो भी कुछ रेज देता है, जिसका नाम होता है अल्फा रेज, है ना। तो जब भी कोई चीज़ हमें गर्म कुछ रेज देती है, हीट रेज देती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। और रेडिएशन को हम क्या बोल सकते हैं, कि इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। लाइक सन से जब तक हम तक कोई रेडिएशन आ रही है, तो उसे कोई मीडियम चाहिए नहीं चाहिए, वो ईजिली पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम रेडिएशन बोलते हैं। और क्या होता है कि जब भी कोई हॉट बॉडी जो है ना, हॉट बॉडी जब वो रेडिएट करती है हीट को, तो क्या होता है, हीट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है और फिर वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है। लाइक ये सन था, ये हम हैं, ठीक है। या सन नहीं, इसको आप बल्ब ले लीजिए अपने घर का, वो भी एक टाइप की हीट रेज ही देता है, अल्फा रेज या कुछ भी, ठीक है। तो वो भी रेडिएशन दे रहा है, अब वो आप तक पहुँचेगी, आप क्या करेंगे, उस रेज को ना एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ आप ट्रांसमिट कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। आपने साइंस में पढ़ा होगा लाइट रेज जो है वो कैसी होती है, तो यही होता है हमारा एक रेडिएशन। अब ये टॉपिक आता है कि हम किस तरीके की क्लोथ जो है, काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। तो आपको पता ही है कि हम समर्स में जो है कॉटन के पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो सारा ना स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर लाइट कलर क्लोड है, अगर लाइट कलर के हम कपड़े पहनते हैं, तो वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को। लाइक ये जो सन है और ये हम हैं, तो जब हमने लाइट कलर के कपड़े पहने तो वो इसको ना रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है और एब्जॉर्ब कम। जब वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी, पर वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है तो गर्मी कम लगती है, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं जब हम कॉटन वगैरह इन सब पहनते हैं। तो अच्छा, अब जब हम वूलन के कपड़े पहनते हैं तो उससे हम वार्म क्यों फील होते हैं वो समझते हैं,
तो देखिए वूल जो है ना वो पुअर कंडक्टर है हीट का। कंडक्टर्स आपने पढ़े थे, मैंने बताया था कंडक्टर इंसुलेटर, तो वूल जो है वो एक टाइप का पुअर कंडक्टर है हीट का। तो इसलिए क्या होता है कि उसमें ना जब हीट आती है तो सारी एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है बिटवीन द वूल फाइबर्स में, ठीक है। अब क्या होगा कि जो एयर है उसमें से वो निकल नहीं पाएगी। लाइक ये जो आपका सपोज ये आपका एक वूल का क्लोथ है, इसमें क्या है जब भी हीट रेस आएंगी तो वो यहाँ पे ना इसमें दब के रह जाएंगी, वो इससे बाहर नहीं निकल पाएंगी, थोड़ी सी भी वो रेडिएट या कुछ भी नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से क्या है फिर वो सारी अंदर ही रहेगी, ट्रैप हो जाएगी, तो हीट रेस बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो यानी अंदर जो है गर्माई बनी रहेगी। तो इसलिए वुलन क्लोथ जो है वो हमको वार्म रखते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो चैप्टर है आपका फिनिश हो गया है। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगली आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।